नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस बार हो सकता है पितृपक्ष मेला का आयोजन, कृष्णा चावल मिलों की संख्या बढ़ाएगी सरकार। पंचायत चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवार आज से भर रहे हैं नामांकन। शिक्षक दिवस पर 20 गुरुओं को मिलेगा राजकीय पुरस्कार। सरकारी स्कूल के बच्चों को किताब खरीदने के मिलेंगे रुपए। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। बिहार सरकार के आवास बोर्ड की जमीन या मकान पर कब्जा करने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं होगी। राज्य के सभी जिलों में आवास बोर्ड की जमीन और मकान को अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने की कवायद की जाएगी। यह बात बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए कही। इसके तहत ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाएगा जो आवास बोर्ड की जमीन या मकान पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। इसके साथ ही उनके पैतृक विभाग के माध्यम से भी उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवास बोर्ड की भूमि या फ्लैट जिनका आवंटन अब तक नहीं हो सका है उनका बिना देर किए आवंटन कराए। वहीं इस बैठक के दौरान राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष आमिर सुभानी ने मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बहुमंजिला इमारत बनाने का सुझाव दिया जिसे राजस्व में वृद्धि न हो सके। वहीं इस बैठक के दौरान राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष आमिर सुभानी ने इन खाली जमीनों पर मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बहुमंजिला इमारत बनाने का सुझाव दिया जिससे राजस्व में वृद्धि हो सके। उसना चावल मिलों की संख्या बढ़ाएगी सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार उसना चावल यहां के ज्यादातर लोगों की पसंद है, इसलिए अधिकारियों को उसना चावल के मिलों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। बीते दिन मुख्यमंत्री के सामने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने 2021-22 में धान खरीद की तैयारियों को लेकर एक प्रेजेंटेशन पेश किया। इस दौरान बाढ़ को देखते हुए जिलावार धान की खेती का सही आकलन करने का निर्देश सीएम ने दिया। साथ ही साथ अरवा चावल की खरीदारी की तैयारी करने को कहा गया। सीएम ने धान खरीद को समय पर पूरा करने को कहा ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके। इसके लिए जिन जिलों में धान की कटनी पहले होगी वहां से धान खरीद का काम पहले होगा। इस प्रेजेंटेशन में धान की खरीद के साथ ही इसके भंडारण समेत कई बिंदुओं को दिखाया गया। गंडक बराज में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने का सिलसिला नहीं थम रहा। बिहार के कई जिलों के लिए गंडक नदी आफत बनकर खड़ी हो गई है। पश्चिमी चंपारण का हाल सबसे बुरा है जहां गंडक का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। यहां वाल्मीकि बराज से बीते दिन बुधवार को भी 2,18,000 क्यूसेक पानी लो स्ट्रीम में छोड़ा गया है। इस वजह से बेतिया के दियारा इलाकों के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो वहीं सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल भी बर्बाद हो गई है। बाढ़ का पानी घरों में घुस रहा है जिस वजह से लोगों के दैनिक जीवन कई मुश्किलें आकर खड़ी हो गई है। बाढ़ की वजह से लोग ऊपरी इलाकों में चले गए हैं। वहीं आने जाने के साधन के रूप में नाव का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि सड़कों पर भी पानी भर गया है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ का निरीक्षण किया जा रहा है जिसके बाद आवश्यक राहत कार्य किए जाएंगे। पंचायत चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवार आज से भर रहे हैं नामांकन। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों के प्रत्याशी नामांकन भरने वाले हैं। बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू है जो कि 8 सितंबर तक चलने वाली है। 8 सितंबर के बाद पहले चरण के प्रत्याशी नामांकन नहीं भर सकते हैं। इस दौरान इन क्षेत्रों में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू है। साथ ही प्रत्याशी को आयोग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का तरह पालन करना होगा। बताते चले कि नामांकन भरने के बाद 11 सितंबर तक इन पत्रों की समीक्षा की जाएगी जिसके बाद 13 सितंबर तक नाम वापसी का समय दिया जाएगा और उसी दिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची को जारी कर दिया जाएगा। शिक्षक दिवस पर 20 गुरुओं को मिलेगा राजकीय पुरस्कार। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इसे लेकर बिहार सरकार ने बीते दिन सम्मान पाने वाले गुरुओं की लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में 10 महिला शिक्षकों के नाम भी शामिल है। पुरस्कार पाने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों में पटना, मधुबनी, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, जहानाबाद, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, सुपौल, नालंदा, दरभंगा, बेगूसराय और नवादा जिले के शिक्षक और शिक्षिका शामिल है। चुने गए शिक्षक और शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चों को किताब खरीदने के मिलेंगे रुपए। बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को किताब खरीदने के लिए शिक्षा विभाग ने 402 करोड़ रुपए भेजने वाली है जिसकी तैयारी विभाग ने कर ली है। बता दें कि इसके तहत पहली से चौथी क्लास के बच्चों को 250-250 रुपए और पांचवी से आठवीं कक्षा के बच्चों को 400 रुपए प्रति स्टूडेंट भेजे जाएंगे। ये रुपए विद्यार्थियों के
अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम को भी सभी जिलों में किताबें उपलब्ध सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई किताब के अभाव में ना रुक सके। इसका फायदा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1,29,00,000 बच्चों को मिलेगा। तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरा। कोरोना और लॉकडाउन से पहले से परेशान लोगों पर महंगाई अलग से अपना कहर बरसा रही है। आम जीवन की जरूरी चीजें जैसे कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पोस्ट के जरिए केंद्र और बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए, तो वहीं पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा कि डबल इंजन सरकार ने विश्व में प्रतिज्ञा ली है कि खाद्य पदार्थों, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों को भूखा मार देंगे। महंगाई को डायन बताने वाले आज इसे महबूबा समझकर इससे चिपके बैठे हैं। सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी प्रियतमा को दूर कर ही नहीं पा रहे हैं। सूबे में बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प के क्षेत्र में दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर युवाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। यह फैसला बीते दिन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा युवतियों को हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे रोजगार के कई नए अवसर खुलेंगे। वहीं अब एसआई प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को अभी 800 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर अब 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही साथ आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। सूबे में गाइड के अभाव में छात्र नहीं कर पा रहे हैं पीएचडी। राज्य के करीब 20,000 छात्र नेट की परीक्षा पास कर चुके हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन पीएचडी करने के लिए गाइड नहीं मिलने के कारण वे विभिन्न यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं की कमी के कारण पीएचडी छात्रों को मुश्किलें आ रही हैं। अकेले इतिहास विभाग में 300 छात्रों का एनरोलमेंट पीएचडी के लिए नहीं हो सका है। वहीं छात्रों का आरोप है कि पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी के विषय के विशेषज्ञ शिक्षक नहीं है, जिस कारण पत्रकारिता, पीएमआईआर, सोशल वर्क और रूरल डेवलपमेंट जैसे विषय से छात्र पीएचडी नहीं कर सके हैं। इस विषय में शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन छात्रों को गाइड नहीं मिल रहा है उन्हें गाइड दिलाया जाएगा। राज्य के कई जिले शुष्क तो कई जिलों में होगी हल्की बारिश। बिहार में मानसूनी असर फिलहाल नहीं दिखने वाला है, हालांकि स्थानीय प्रभावों से अभी भी कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विज्ञान के द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। वहीं बेगूसराय, वैशाली, सारण, सीवान, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि एक दो स्थानों पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। अन्य जिलों जैसे कि समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा भी होने की संभावना है। इस बार हो सकता है पितृपक्ष मेला का आयोजन। पूर्वज पितरों को समर्पित गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला लगने की संभावना बन रही है। कोरोना के कारण पिछले साल इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा कुछ शर्तों के साथ सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों को अनुमति मिली हुई है। ऐसे में पितृपक्ष मेले के लगने की संभावना बढ़ी है। इस बारे में पर्यटन मंत्री का भी बयान आया है। उनका कहना है कि मेले में अभी पखवाड़े भर का समय है, अभी इसे आयोजित करने संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी हुए हैं। फिर भी मंत्री उम्मीद जताई है कि कोरोना के कम आते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री के स्तर से इस पर फैसला जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सादगी से बिना मेले को आयोजित किए केवल पिंडदान और दूसरे कर्मकांड की इजाजत मिल सकती है, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर पितृपक्ष मेले में भीड़ भाड़ को बढ़ाना सही नहीं रहेगा। बताते चले कि पितृपक्ष मेले में 18 दिन शेष रह गए हैं। पटना में अब रात 11 बजे तक चलेंगी बीएसआरटीसी की सिटी बसें। आज से राजधानी पटना के कुछ चुनिंदे रूटों पर देर रात 11 बजे तक बीएसआरटीसी की सिटी बसें चलेंगी। फिलहाल में कुछ रूटों पर ये बसें रात के 9 या 10 बजे तक चलती हैं, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए 4 रूटों गांधी मैदान दानापुर स्टेशन, गांधी मैदान एम्स, गांधी मैदान पटना साहिब स्टेशन और एनआईटी मोड़ पटना जंक्शन के लिए ये सिटी बसें चलाई जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पीएमसीएच, एम्स और एनएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए आने जाने वाले लोगों को सुविधा पहुंचाई जाए। बताते चले कि ये सभी बसें नई सीएनजी बसें होंगी, जिसमें यात्री सुविधा के लिए प्रीपेड कार्ड, वन वे पास, मोबाइल टिकटिंग और स्कैन पे भी उपलब्ध होंगे।
वैशाली सांसद वीना देवी बनी लोजपा पारस गुट के संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष। लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट के नए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को चुन लिया गया है और यह जिम्मेदारी वैशाली सांसद और लोजपा की प्रमुख चेहरे में शामिल वीना देवी को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने इस बाबत एक पत्र जारी कर जानकारी दी है और उनसे इस संगठन को मजबूत करने की अपील की है। इधर इसे लेकर चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है क्योंकि LGP में किसी पद पर चिराग को जगह नहीं दी गई है। अब लोजपा के दो फाड़ होने का मामला बड़ा हो गया है क्योंकि यहां अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की बनाई गई पार्टी लोजपा के असली चालक असल में किसे माना जाए। नहीं रहे फेमस टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला। टीवी सीरियल बालिका वधू से मशहूर हुए और बिग बॉस के विनर रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह खबर पूरी इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। हाल ही में बिग बॉस OTT और डांस दीवाने सीजन 3 में सिद्धार्थ काफी चर्चा में बने रहे थे। उनकी डेड बॉडी को सुबह पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। बताते चले कि सिद्धार्थ शुक्ला पिछली बार एकता कपूर के एक शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में देखे गए थे। ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा को मिला 5वां स्थान। ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक इंग्लिश कप्तान जो रूट रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं। बता दें कि रूट 6 साल के बाद टॉप पर पहुंचे हैं। वहीं टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टेस्ट रैंकिंग में बड़ा मुकाम हासिल किया है। वो पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 5 में पहुंचे हैं। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान नंबर 5 पर थे लेकिन अब रोहित कोहली को पीछे छोड़ते हुए नंबर 5 पर काबिज हो गए हैं। तो वहीं विराट कोहली एक पायदान नीचे नंबर 6 पर खिसक गए हैं। रोहित और विराट के अलावा कोई दूसरा भारतीय बल्लेबाज टॉप 10 में नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में कोरोना के थमते आंकड़ों को देखते हुए इस साल पितृपक्ष मेले का आयोजन होना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।